हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये हुक्का शीशा जिसे बोलते हैं, उसको कैसे बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। हाउ टू मेक शीशा हुक्का। बने रहे मेरी वीडियो के साथ। तो अभी इस पे कोयले वगैरह रख देंगे जी, गर्म होने के लिए। सबसे पहले काम आपने ये वाला करना है, क्योंकि कोयले आप वो वाले लें, कोकोनट वाले, तो क्योंकि वो गैसी कोयले भी मिलते हैं, वो अच्छे नहीं रहते। ये वाले कोयले अच्छे रहते हैं। ये तीन कोयले आसानी से 1 घंटा, तकरीबन पौना घंटा, 45 मिनट, 1 आवर निकाल जाते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ना इसको रख दें गर्म करने के लिए, अगर आपके पास हीटर है तो। फिर जनाब इसमें आप पानी वगैरह डाल लें, पानी ठंडा वगैरह डालें इसमें। तो इसको फिर अच्छी तरीके से ना उसके साथ चूड़ी को टाइट वगैरह कर दें, इसको बंद कर दें। तो पहले एक बार इसको वॉश कर लें हुक्के को, अपने को, शीशे वगैरह को सही तरीके से। फिर इसके साथ इसको बंद कर दें। अभी आते हैं फ्लेवर की जानब। तो फ्लेवर में आपको बताऊंगा जी कि सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप इसमें बेरी फ्लेवर मैं डाल रहा हूँ, और इसमें आइस डबल मेलन वो वाला डाल रहा हूँ, और आइस कोला डाल रहा हूँ। ये तीनों फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप इसमें ना डाल दें। तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप ये कैप वगैरह मिट्टी की लें, तो इसमें आप ना इसको बनाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको एडजस्ट वगैरह कर दें, इतना ज़्यादा ऊपर ना हो, और इसको दबाएं भी मत कि ये बिल्कुल बैठ जाए। बराबर कर दें इसके बिल्कुल ये जो कैप के, और इसके ऊपर फिर आप फॉइल लगा दें। तो ऐसे देखा जैसे मैंने। अभी फॉइल की बारी आती है, तो फॉइल आप वो लें जो बारीक हो। मोटी फॉइल लेंगे तो उसमें होगा फ्लेवर वगैरह जल जाएगा, तो आपको वो सीन नहीं होगा ना, जल्दी वगैरह जल जाएगा फ्लेवर भी, और जायका नहीं रहेगा हुक्के का। जितनी बारीक ये फॉइल वगैरह होगी, कली जिसे बोलते हैं आप अपनी ज़ुबान में, तो अलमूनियम, उतना ही ज़्यादा हुक्का आपको स्मोक वगैरह देगा और बेहतर रहेगा, और जलेगा भी नहीं। सुराख वगैरह इस पर कर लें आप बारीक बारीक, ठीक है। बारीक सुई लें, उसके साथ आप यहाँ पर सुराख करें, ज़्यादा साइडों पर करें, क्योंकि वहाँ पर कोयले वगैरह आप रखते हैं तो फ्लेवर ज़्यादा जहाँ से ना वहाँ से ही इसको हवा वगैरह जाए अंदर, जब आप सक करते हैं इसको, तो वहाँ से ही आपको फ्लेवर की ना वो जायका वगैरह आएगा। मिडल में आप थोड़े से सुराख करें, बराबर से ही कर दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा साइडों पे करें आप। तो अभी कोयले वगैरह देखें जी, आपके गर्म हो गए होंगे इतनी देर में। हाँ ये देखें, इनको फूंक वगैरह मारें, हवा वगैरह या पंखा जो भी है उसके, या खुद ही लगा लें, मैंने तो खुद ही लगाई है इसको। तो उसके बाद जनाब इसको ना उठा के, तो ये इसको पाइप वगैरह अच्छी तरीके से टाइट करें, क्योंकि ये सम टाइम निकल जाता है। तो अब इसके ऊपर ये रखते हैं, अब कोयले वगैरह रखें, एक बार उनको खाक वगैरह इनके ऊपर भी बनी होती है, ये इसको उड़ा दें। तो अभी इनको रख के स्मोक करें आप, और याद करेंगे भाई को कि यार क्या आपने हुक्का बना के दिया। मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 8 साल का, तो यही बना के मैं खुद भी पीता हूँ, और दोस्त यारों को भी मैंने सिखाया है, तो नेकी का काम किया है। तो यही वाला बाद में आपको सीन बताऊंगा। तो फिर इसको रख के आप स्मोक करें, स्मोक भी अच्छी आएगी, ये दें जी। और फ्लेवर के बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जी बिहार की फ़्लेवर अच्छे हैं जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए कश्मीर ड्रीम जर्नीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी।